अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वकार व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। ये मेरे बराबर में जो है ना, बड़ी प्यारी शख्सियत है, मेरा प्यारा दोस्त है, भाई है, नियाज लुंड बलोच साहब। ये सिंध पुलिस का जो है ना सब इंस्पेक्टर है, माशाल्लाह। ऐसा ना नियाज भाई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है माशाल्लाह, और मेरा जो है ना भाई है। आज जो है ना हम निकले हैं कमांडर सिटी को विजिट करने। नियाज भाई को कोई इन्वेस्ट का मूड है वहाँ पे, तो आज निकले हैं। मुझे कॉल की, बोला भाई आ जाओ, आज चलना है कहीं, क्या करें, आ गए। तो हम करीब इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, थोड़ी देर में जो है ना अभी हम पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह कमांडर सिटी विजिट करेंगे, फिर नियाज साहब का मूड बना तो फिर देखेंगे क्या मूड बनता है, क्या सिटी का प्रोग्राम है, क्या नहीं है। विजिट करते हैं, आप लोगों को भी इंशाल्लाह कमांडर सिटी का विजिट करो। जी तो नियाज भाई, फाइनली हम पहुंच गए हैं कमांडर सिटी के गेट पे। अभी अंदर इनका एंट्रेंस क्या है क्या नहीं है वो तो अब तो माशाल्लाह अच्छा नजर आ रहा है। स्टार्ट में दुआ का जो ये डेमो भी लगा हुआ है, कमांडर सिटी हमें दुआ भी दे रही है। हाँ ना, ये इधर से बोल रहे हैं, पता नहीं, नहीं रास्ते बंद है, खोलेंगे वापस। सिक्योरिटी तो अच्छी नजर आ रही है दिन को। बहरहाल सिक्योरिटी इनकी अच्छी है, गैर मुतलक अफराद जो है उनकी एंट्री नहीं है, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन जो है ना कोई अंदर एंटर नहीं हो सकता। इंटरनेस इनकी अच्छी है जी नियाज भाई, बड़ा खूबसूरत है इंटरनेस इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सुना था किसी दोस्त ने बताया था, तो आज हम खुद आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है, देखते हैं इनकी साइड ऑफिस को भी। साइड ऑफिस भी है, और जरूरत पड़ी तो इनका हेड ऑफिस है मलिर कराची में, वहाँ भी वो तो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन इन्होंने इधर बड़ा खूबसूरत बनाया है यार, ऑफिस का थोड़ा दिखा दे दोस्तों को। ये साइड ऑफिस है ना, गाड़ी को उधर धूप से बचाएं फिर देखते हैं इनको, क्योंकि इनका जो है ना वहाँ पे यहाँ पे एक प्रोसीजर है। यहाँ पे की है गाड़ी इंटर, सॉरी स्टॉप की, अभी देखते हैं अंदर क्या पोजीशन है। गाड़ी में बैठे थे मजेर का,
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज असा रईस वकार अली गंज सां गए पता हूं इते कमांडर सिटी तो गुलशन रूम जाने पड़ेगा जी जी हमने बोला भाई कैश लोग बेवकूफ बात कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि भाई वो है 66 लाख का। हाँ वही डबल बताया मेरे, मैं भी ये सोच के आया था। शुरू हो गया है, ये हमारा पूरा 120 का ब्लॉक चल रहा है। ठीक है, हाँ, तो कमांडर सिटी में ये वन यूनिट है, ये बी ब्लॉक है मुलाजमत की तरफ। हमने अपने हमें विजिट कराएं जी, ये पूछना था कि रीसेल वाले जो है यहाँ पे, रीसेल वाले मिल जाएंगे आपको, वो सिटी स्ट्रीट से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हमारा स्कूल है, हमारे सवाल आता है तो वही बोलते जी, ये जब जो हमें चाहिए वो आप बोलते हेड ऑफिस रब्ता को, हम तो इधर आ गए तो आप ही रब्ता करो, हम वो आप ही सब। नहीं नहीं, रब्ते से मुराद ये नहीं है, जो पेमेंट वगैरह होगा जो भी शेड्यूल होगा आपका वो हेड ऑफिस से होगा। अच्छा हाँ, मैं आपको साइट विजिट करवा सकता हूँ। अच्छा। आपको डिटेल बता सकता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। ये सर विजिट ऑफिस है, विजिट जी, ये यहाँ पे ऑफिस के जो भी ये राशि है यहाँ बंद पड़े खाली, ये सारी फैमिली रह रही है। अच्छा भाई, ये बी ब्लॉक जो 120 गज के, ये सारे ये 240 गज के हैं, ये पीछे से निकले हुए 120 के थे जी, ये 240 है। इलेक्ट्रिक का मसला है यार, उसको सारे 240 सिंगल पे नहीं है, वो जो अपना सिंगल है सारे। इनकी रीसेल में कैश क्या प्राइस है? कैश ये रीसेल के लिए आपको सिटी स्टेट से बोल देता हूं 10% डिस्काउंट करेंगे। ये कुछ सिटी से कम है, गर्म होता है, मैं आपको दिखा देता हूं 5% मतलब आपका जो इधर मेन मकसद है विजिट करना है, जब गाड़ी ठंडी हो जाए बाकी तय उधर ही होगा फाइनल। जो भी फाइनल होगा या जो भी बुकिंग होगी, जो भी मामला होगी ना आपके, अगर आप बुकिंग की तरफ आएंगे तो आपका हेड ऑफिस से होगा, और अगर आप रीसेल की तरफ आएंगे तो वो स्टेट से होगा। अगर रीसेल का जो मालिक हो हम उनसे रब्ता करें और खुद ले लें, आपको चार दे दे वो जो है। लोकेशन बताइए, सारे सेल हो गए हैं ऊपर, आपको चाहिए तो मिल जाएगा। यहाँ पे कितने का मिलेगा? ये आपको दो कमरे का जो है आपको 40 लाख का मिलेगा, वो 32 लाख का, तीन कमरे वाला जो है वो 40 लाख रुपए का। बाकी ये पेट्रोल पंप आ गया, वाटर प्लांट आ गया, हमारा सामने हमारा वो मार्ग बना हुआ है। पेट्रोल पंप चल रहा है अभी? चला नहीं है, चल रहा है, चल रहा है। ये कम्युनिटी हॉल आ गया हमारे, जहाँ पे 400-500 बंदों का प्रोग्राम ईजी हो जाता है। सेंट्रल पार्क आ गया, ठीक है। वो जो ब्लेसिंग अपार्टमेंट है वो जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ आएंगे, 1200 अपार्टमेंट जो आपके ने 22 लाख रुपए का, वो यहाँ। अभी उनका बुनियाद ही नहीं रखा, 4 साल के बाद पोजीशन है। अच्छा, इसके बैक साइड पे वो जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो हमारा पूरा फूट, ये हमारा एल ब्लॉक आ गया सामने से, ये भी हमारा अब दोनों साइड कमर्शियल चलेगा यहाँ से। ये जो बिल्डिंग तैयार हुई है ये हमारी दूसरी, और ये भी कमांडर है जी। ये सारे 80 गज के बैंगलोर है हमारे, अच्छा दिया 160 का, 80 गज का। सर बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि आप लोगों को बता रहे हैं कि हम 38 लाख का दे रहे हैं, 22 लाख का फ्लैट दे रहे हैं। नहीं, मुझे मेरी बात सुने आप जी। तो यहाँ पे तो कहानी कुछ हो रहा है, यहाँ पे 38 लाख का आप 66 लाख का बता रहे हैं। सर बात ये है कि हम आपको 38 लाख रुपए में भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको 38 लाख रुपए का नहीं दे रही, कंपनी आपको 38 लाख रुपए का भी दे रही है, लेकिन उसमें आपको पोजीशन 2 साल लेट मिल रहा है बस ये है। उसमें आपको 1 साल वेट करना है, इसमें आपको 3.5 साल वेट करना है। ये जो एंड में ये जी, ये साइड, ये भी 80 गज के। अच्छा, ये वही रेट दोनों 80 गज के। यहाँ पे ये फैमिली रहती हैं? जी जी बिल्कुल। यहाँ पे रीसेल का कितने का होगा? रीसेल में, रीसेल के लिए आपको स्टेट से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, रीसेल एक अलग प्रोसेस होता है, वो स्टेट का काम होता है। और बुकिंग ये 160 है, 160 ब्लॉक एल कहलाता है, L3। लाइट 24 घंटे है जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा लगा।
कमा देर से मिले देर थी सके कहाँ मिली जो सलाम चेजो से था यार सुनियान दुकान ये इधर ये फ्लैट बन रहे हैं जी नीचे अपार्टमेंट वो है शॉप से ऊपर अपार्टमेंट अच्छा वो जो 120 गज के वन यूनिट का बनेगा वो कहाँ पर बनाएंगे कौन से 120 गज के वन यूनिट जो बना रहे हैं फर्स्ट फ्लोर वाले वो कहाँ बनाएंगे हमें देंगे मतलब ये है कि बाजार अभी जो है ना आपने इधर बनाया है बाकी कुछ भी नहीं है फिलहाल क्या चीज ये आपने जो है ना फ्रंट में बना दिया है सब कुछ बाकी भी बना दिए बैक पे भी फैमिली ने आप गाड़ी में बैठ के देखे नजर तो चलाए आगे सर बात ये है कि 350-400 फैमिली यहाँ पे रह रही है इस टाइम पे सही है ना अब मैं आपको सारी चीजें एक ही गलियों में तो घुमाने से रहा अभी आपके सामने ये सारी फैमिलीज रह रही है जो पोजीशन हमने दिए हैं इसमें फैमिलीज रह रही है आप हमें वो लोकेशन बताए ना 120 अच्छा 120 का सर सारे ब्लॉक 120 के मैंने आपको बताया वन यूनिट वाले फर्स्ट फ्लोर वाले कहाँ देंगे आपको बताया ना लोकेशन कौन कहाँ कौन कौन से ब्लॉक है सर वन यूनिट का मतलब ग्राउंड प्लस वन की हाँ तो न्याज भाई अभी इनके जो यूट्यूबर्स हैं वो बताते हैं कि भाई 38 लाख में ये बंगला दे रहे हैं आपने विजिट किया तो ऐसी तो कोई बात नहीं है 38 वाला मेरे ख्याल में 66 में दे रहे हैं 60 अच्छा 60 लाख में दे रहे हैं 10% डिस्काउंट में तो ये टोटली फ्रॉड है यहाँ पे सीधी बात है यहाँ पे जो है ना वो कोई 38 लाख की बात नहीं है कोई फ्लैट जो है 22 लाख की बात नहीं है ये 38 लाख आप देंगे उसके बाद जो है ना 3.5 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद जो है ये यूटिलिटीज की मद में जो है ना आपसे लेंगे पैसे फिर वो 20 लाख भी हो सकते हैं 25 लाख भी हो सकते हैं जितने वो होंगे वो उसके बाद आपको पता लगेगा लेकिन ओवरऑल सिटी बेहतर है इसमें कोई शक नहीं है सिटी बेहतर है माहौल अच्छा है लेकिन महंगा बहुत है इसमें कोई शक नहीं है जो लोग समझ रहे हैं कि कमांडर सिटी जो है वो सस्ता है तो ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतना सस्ता है समझो जो बता रहे हैं उससे ट्रिपल पैसे लेके आए तो फिर वो खरीद सकते जो ये बता रहे हैं ना कि इतने का है तो ऐसा समझे न्याज ने आपको बताया कि डबल ट्रिपल पैसे लगेंगे बाकी जो है सिटी अच्छी है रिहाइश के मतलब लाइक है ये है कि यहाँ पे जो है ना 12-15 हज़ार रुपये में आपको 80 गज का घर जो है किराए पे मिल जाएगा रेंट वालों के लिए हाँ रेंट पे अगर आप रहना चाहें तो फिर आप रह सकते हैं ये चीज़ अच्छी होगी बाकी तो खैर है ऐसा कुछ भी नहीं है ये इनका जो है ना वो आपको पहले भी आपने विजिट किया इनकी गाड़ी में यह इनके कमर्शियल एरिया है तो अभी हम यू टर्न करते हैं अभी हम बाहर निकलेंगे जो बता रहे हैं वो बात नहीं बात और अभी जो है ना अभी इसको टाइम लगेगा ये इन्होंने फ्रंट पे बना दिया है काफी फैमिलीज रह रहे हैं ये इनकी फ्री रेस्टोरेंट भी है वो भी चलती है थोड़ा बहुत स्कूल अच्छा बना हुआ है स्कूल अच्छा है हॉस्पिटल बनी तो नहीं है मेरे ख्याल में होगी किसी साइड पे अभी हमने देखी नहीं हॉस्पिटल का लेकिन होगी स्कूल अच्छा बना हुआ है बस सर्विस जो कराची के लिए चलती है तो बाकी सफाई है सिटी में इसमें कोई शक नहीं है माहौल अच्छा है माहौल बिल्कुल अच्छा है लेकिन जो चीज़ लोग समझ रहे हैं इनके यूट्यूबर्स जो बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है वो सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी पब्लिक सिटी कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है वो अपने जो है ना व्यूज़ बढ़ा रहे हैं बाकी कुछ भी नहीं टोटली यहाँ पे जो है ना वो उसके उल्टा बात है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको हमारी बातें ज़रूर समझ में आई होगी हमने जो है ना आपको क्लियर बताया क्योंकि हमने इनसे कोई पैसे नहीं लिए हैं न्याज भाई का शौक था हमने विज़िट किया और उसके साथ जो है ना आप लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हो गया कि यहाँ पे चल क्या रहा है चलो ठीक है खरीदना तो नसीब की बात है ये फ्रंट जो है गेट दिखा दे दोस्तों को हाँ ये जो है ना अभी एंट्रेंस बहुत अच्छा है इसका एग्जिट हो रहे हैं तो बड़ा वो मैंने आपको बताया कि माहौल अच्छा है इसमें कोई शक नहीं है अगर कोई रहना चाहे तो रह सकता है बाकी जो है वो महंगा बहुत है तो इंशाल्लाह अभी हमें इजाज़त दीजिएगा मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में अल्लाह हाफिज़ अल्लाह और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें शेयर करें बड़ी मेहरबानी।